एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम है ये। मैं जा रही हूँ इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आज दिन है बुधवार और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 7:45 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ तैयार है, बस मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और प्रिंसू ना मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ गया है तो इस टाइम पे खा रहा है केक, अपना फेवरेट वाला केक। हाँ, बिना चेरी बिना नट्स वाला केक पसंद है तो इसलिए ये वाला ये लेके आए थे। और बाबू ना देखिए रो रहा था अभी। ओ दीदी बोल दी थी ना कि नहीं देंगे बाबू को, तो इसलिए बाबू रोने लगा था। अब हैप्पी हो गया है? हा 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 कर दीजिए। अरे हैप्पी हो गया बाबू मेरा, गुड बॉय। और ये देखिए, ये ना मैंने चावल और उड़द का दाल जो होता है ये मैंने रात को ही भिगो दिया था और इस टाइम पे मैं इसको पीसूंगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ना फूल गया है, पूरा ये फूल गया है। मैंने आधा जब डाला था तो इसके आधा था, लेकिन फूल के ना इतना ज़्यादा हो गया। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग पीसेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना मिक्सर ग्राइंडर का और उसके बाद से इसमें मैं डाल दूँगी। आप अलग अलग भी पीस सकते हैं, चावल को अलग दाल को अलग, लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ ही मैंने फुल्ले को डाल दिया था और एक ही साथ मैं इसको पीस दे रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से पीस जाए, वरना ना थोड़ा सा नीचे की तरफ चिपकने लगता है और अच्छे से चल नहीं पाता है। देखिए ये कितने अच्छे से ना पीस चुका है, बिल्कुल हल्का हो जाएगा एकदम सा महीन, तब इसको निकालना है हमें। इसको हम दूसरे कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है नमक, तो आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं और उसके बाद से थोड़ा सा चला देना है ताकि जो नमक मैंने डाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे ना जो इडली का जो पेस्ट था वो मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन ये फुला नहीं है। फुलाने के लिए क्या होता है ना कि एक घंटे डेढ़ घंटे पहले हमें इसको रेडी करके रखना होता है, लेकिन हमने ये रेडी अभी अभी किया है तो इसलिए इसमें हम डालेंगे इनो। तो मैंने एक इनो लिया है और इसको मैंने फाड़ दिया, तो इसमें मैंने डाल दिया इनो और ये एक जो इनो है ना एक पूरा मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए इनो डालने के बाद इसको हमें ऐसे एक ही शेप में चला देना है, बस 10-12 बार हम लोग चलाएंगे, ये हो गया। और ये देखिए ये जस्ट तुरंत का तुरंत फूल जाता है, तो हमें 2-3 घंटे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हो गया हमारा पेस्ट तैयार, तो इसको हमने साइड कर दिया। उसके बाद हमें इडली स्टैंड लेनी है। यहाँ पे इडली बनाने वाली जहाँ जहाँ प्लेटें दी हुई है ना उसमें मैं घी लगा दे रही हूँ। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। और स्टैंड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, गैस को जला के उस पर रख दिया है ताकि जब तक पानी ये गर्म होगा ना 1-2 मिनट में, तब तक हम यहाँ पे इडली स्टैंड में जो भी पेस्ट हमें डालना है ना वो हम डाल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके सब में मैंने डाल लिया है। मेरा इडली स्टैंड जो है ना वो बस 6 बन सकता है एक बार में। बहुत सारे लोगों के पास बड़ा बड़ा भी होता है जिसमें 16-16 निकलते हैं, लेकिन मुझे यही सही लगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना, ज़्यादा मतलब 2-3 बार बनेगा तो हो जाएगा आराम से, तो इसलिए मैं छोटा ही स्टैंड रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने सब में डाल दिया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पानी भी गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है तो एक इडली स्टैंड जो है उसको उसमें मैंने डाल दिया। फिर इसके ऊपर से दूसरे वाले को पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद ढक्कन लगा देना है हमें। ढक्कन लगाने के बाद हमें 5 मिनट इसको बॉयल होने देना है। फ्लेम इसका जो है वो मीडियम रहेगा, तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है हमें 5 मिनट के लिए। उसके बाद से 5 मिनट के बाद खोलना है हमें। तो
देखिए ये इडली ना देखिए थोड़ा बहुत फूल चुका है, लेकिन थोड़ा सा और पकाएंगे हम इसको और इसे स्टीम पे होने देंगे। मैंने इस टाइम पे फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि अब ये पानी जो है ना अंदर का पूरा स्टीम हो चुका है, पूरा अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसलिए फिर से मैं इसको ढक देती हूँ। एक मिनट के लिए और छोड़ दूंगी इसको, और जब तक हमारा इडली हो रहा है ना तब तक मैंने इसको निकाल लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दूंगी। ये हमारी इडली हो गई ना इंस्टेंटली, मैंने उसको निकाल लिया। और यहाँ पे मेरी नारियल की चटनी भी तैयार हो गई है छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और उसको ग्राइंड किया है मैंने, और इसको छौंक भी लगा दिया मैंने। छौंक लगाने के बाद देखिए कितना डिलीशियस सा हो गया है, और हमारा जो इडली है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैंने दो तीन बार करके इसको बनाया है, एक बार मैंने निकाल लिया है, फिर ये सेकंड टाइम मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद से मेरा पूरा का पूरा देखिए इडली तैयार हो चुका है, और ये चटनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस बना है। और आज बनाया इडली तो पता है परी बहुत देर से बोल रही थी, दो तीन दिनों से परी को मन कर रहा था कि इडली खाऊं, है ना? हाँ, अब मैं और कैसा लग रहा है, कैसा बनाई है मम्मा? अच्छा, और मुझे ग्रेवी के साथ अच्छा लग रहा है, यम्मी। दिस इज नॉट ग्रेवी, दिस इज नारियल की चटनी। आई लव इट। हाँ, नारियल की चटनी, उसको ग्रेवी ग्रेवी बोल रही है, उसको अच्छा लग रहा है। तो परी को अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, इसका मतलब की बहुत टेस्टी बना है जी। आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है, और आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। और यहाँ पे परी तो बहुत मस्ती से खा रही थी, लेकिन उसके पापा को कुछ काम था तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में खाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ घर में, बाबू ने ये प्लेट को तोड़ दिया है, इसके चार सेट थे और ये सेटअप बिगड़ चुका है क्योंकि इसके तीन बच गए हैं। एक्चुअली ये आता है ना तो बर्तन को उठा उठा के फेंकता है, या फिर उठा के ना फेंक देता है कि वॉश करने के लिए, तो उस वजह से वो टूट गया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, कुछ काम था हमें, ज़रूरी काम से हम लोग आ गए थे बाहर, तो यहाँ पे आए और प्रिंस को रास्ते में ही ना सो गया है। और इनका तो आ गया है फ़ोन, तो ये बिजी हो गए हैं। मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ, मैं गोदी में बाबू को लेती तो ये बोले कि मैं ले लेता हूँ। उनको लगा कि ये बोर हो रही है ना बाबू को लेके, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप घूम लो इधर उधर, मैं ले लेता हूँ। तो वही मैं इधर घूम रही हूँ, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बाइक पिंक बैठे पिंक थोड़ी देर, और यहाँ बैठे बैठे ना मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि ये देखिए ऊपर वाला जो पेड़ है ना, ये किसी और चीज़ का पेड़ है, और ये किसी और चीज़ का पेड़ है, और इसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बरगद का पेड़ या फिर किसी और चीज़ का पेड़ है, तो ये यहाँ पे दूसरा पेड़ आ गया है। देखिए अब देखिए यहाँ से ये इसका तना है, ऊपर कुछ और है, और यहाँ आ गया है बरगद का पेड़। मतलब अचानक से यहाँ से उगाया है बरगद का पेड़ ये। अगर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो छठवा सातवा क्लास में था एक परजीवी, मतलब कोई कमाता कोई और है खाता कोई और है, तो ये देखिए ये पेड़ कमाता है और इसके ऊपर से बरगद जी आ गए हैं और इसको खाते हैं, ऐस कर रहे हैं यहाँ पे। ये तना जो है ये मिट्टी लेता है, खाद लेता है सब कुछ, और वहाँ पे बहुत बड़ा हो गया ये बरगद वाला पेड़ भी ना, बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पे देखिए सो गया है, मजे से सो गया है। जब भी हम लोग अगर बाहर आते हैं ना तो ये रास्ते में ही सो जाता है, हमेशा का है, लेकिन कहीं खेलने जाना हो कहीं और जाना हो तो नहीं सोता है। और एक्चुअली परी नहीं है इस टाइम पे हमारे साथ में ना, तो इसलिए, नहीं तो परी होती तो इसको तो सोने ही नहीं देती, इसको उठा देती बाबू चलो हम लोग खेलेंगे यहाँ घूमेंगे बहुत सारा पेड़ पौधा है चाहे कुछ भी कह के, तो ये सो रहे हैं। परी चला रही थी साइकिल तो प्रिंसू को भी चलानी थी, देखिए कैसे मजे कर रहा है। दीदी चली गई थी पीछे और प्रिंसू आ गया था आगे। और शाम हो चुकी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी, बादल पूरे छाए हुए हैं, देखिए ब्लैक को ब्लैक पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश आई गई, हल्की हल्की बारिश आ गई।
ये देखिए फोन पे छींटे, बारिश आ गई है, बारिश आ गई है। चलो भागो भागो भागो, उधर दो प्रिंसो, देखिए बारिश आ रहा है, बाय बाय। बारिश आ रही है ना, बारिश कहाँ से आ रही है, बारिश रेन रेन ऊपर से आ रही है, पूरे बादल छाए हुए हैं।